जन सुविधा शौचालय सफाई सेवक यूनियन के पदाधिकारी एवं सदस्य अपनी मांगों के समर्थन में पिछले 2 सप्ताह से चंडीगढ़ नगर निगम के कार्यालय के समक्ष धरने पर हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि निगम प्रबंधन द्वारा उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वे अपनी मांगों को लेकर कई मर्तबा निगम प्रबंधन से मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके चलते उनका ये संघर्ष कई दिनों से जारी है। उन्होंने अपनी मांगे गिनवाते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है, उसमें घर परिवार का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की मासिक बैठक में उनकी मांगों पर प्रबंधन द्वारा विचार करने की उम्मीद थी, लेकिन बैठक स्थगित होने के कारण उनकी मांगे फिर अधर में लटक गई है। उन्होंने निगम प्रबंधन को चेताते हुए कहा कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे निगम कार्यालय के बाहर विशाल प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम अशोक बैनवाल, जन सुविधा शौचालय का प्रधान। सर, ऐसा है, हमारा बड़ा शोषण हो रहा है। ये शोषण MOI का है। जितनी ये चंडीगढ़ के अंदर MOI का रखी है, ये बड़ा तगड़ा शोषण है। ये MOI नहीं होनी चाहिए। उसमें सैलरी 7,000-8,000 रुपये देते हैं, उसमें भी 3-3 महीने हो जाते हैं। ये बहुत शोषण है, बहुत बड़ा शोषण। ये जो आप MOU बोल रहे हो, इसके अंदर आपके कितने कर्मचारी लगवा की संस्था? देख लो जी, आप 380 टॉयलेट हैं जी हमारे यहाँ चंडीगढ़ के अंदर। एक टॉयलेट पे कितने बंदे होते हैं जी? उसमें तो जो ठेकेदार के हैं उसमें 2 होते हैं, और जो MOI करके हैं सोसाइटी बना के, उसमें 1 ही बंदा होता है। वो गलत है, इसमें भी तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही, और 30,000 रुपया एक टॉयलेट का देते हैं इनको। अच्छा, पीछे की मेरे पास वीडियो आई थी, मैंने देखी थी किसी ने और पे, क्या ऐसा भी है कि जेंट्स टॉयलेट में लेडीज को भी लगा रखा है? हाँ जी, दोनों टॉयलेट पे हैं, एक जेंट्स एक लेडीज। ठीक है जी। हाँ जी, तो उसके अंदर तनख्वाह में गुजारा नहीं होता सर। हमारा मकान किराए पर ले रखा हमने, और इस मकान का किराया दें क्या, अपना खाने का पूरा करें क्या, बच्चों का पढ़ाई का करें, इसमें ये देखिए आप पूरा कुछ भी नहीं बचता जी हमें। और कितने दिनों के आपको हड़ताल पे बैठे हुए? यही 12 तारीख से बैठे हैं। कौन सी 12 तारीख? ये अपना अगस्त। अगस्त? हाँ जी। और हड़ताल पे कितने बंदे बैठते? 4 बंदे बैठते हैं जी। भूख हड़ताल पे सर? हाँ जी, भूख हड़ताल है। उनकी दिनचर्या क्या रहती है, क्या खाते हैं वो दिन में सारे में? वो कुछ नहीं खाते हैं जी, जब हम चेंज करते हैं वो अपना फिर जो मर्जी खा सकते हैं जी, 24 घंटे के बाद। आपकी मुख्य डिमांड क्या है जी? हमारी डिमांड है जी DC रेट लागू करें, और हमारे डंटी गार्ड बना के दें, हमारी पहचान हो टॉयलेट की, पे हम टॉयलेट पे काम कर रहे हैं, डंटी गार्ड वर्दी, और हमारी 3-3 महीने की तनख्वाह। जो DC रेट देंगे उसमें PF भी देना है, और हमारा डंटी गार्ड भी दें, और हमारा वर्दी भी दें, और हमारे 3-3 महीने की तनख्वाह भी है जी। वो 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही अभी तक। 3 महीने की तनख्वाह कैसे पेंडिंग पड़ी है आपकी? हाँ जी, ये ठेके टूट गए थे, और हमारे MC चला रही थी वो टॉयलेट है। ठीक है। केश कुमार, जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड MSE एम्प्लॉयज एंड वर्कर यूनियन चंडीगढ़। जन सुविधा शौचालय यूनियन साड़ी एक विंग है, जिहड़ी साड़ी 37 यूनियन है, उन्होंने एक यूनियन यह भी है। ये लगातार पिछले 3 साल तो संघर्ष कर रहे हैं। देखो, हिंदुस्तान की सरकार ने कानून बनाए हैं, कानूनों च बड़ा स्पष्ट है कि DC रेट तो घट किसी ने कोई सैलरी नहीं दी जा सकती, पर MU के अंडर जिहड़े वर्कर काम कर रहे हैं साढ़े, उन्होंने किसी को 7500, किसी को 8000, किसी को 9000 मन मर्जी नाल ये जिहड़ा सैलरी दी जा रही है। शोषण हो रहा वर्करां का, कानून में छिके टंग के सब कुछ किया जा रहा। आपां इह मसला मैडम कमिश्नर के संज्ञान में लिया अज तो 2 साल पहला, तो उन्होंने बकायदा तौर पर सारे अधिकारी इंस्ट्रक्शन दित्तियां कि इहदे वास्ते एजेंडा लेके आओ उस दे विच, पर सिस्टम एडा स्लो आ कि 2 साल लग गए एजेंडा तैयार होंदे आ। आ मीटिंग सी कल 21 तरीक नूं होणी सी, उस दे विच एजेंडा आ रहा सी, कमिश्नर ने क्लीयर कर दिता, कमेटी ने क्लीयर कर दिता, कल पास होना ही एजेंडा, पर वह कल मीटिंग नहीं हो सकी उसकी, इस करके नहीं। सानूं उम्मीद है कि 2-4 दिनों बाद जिहड़ी मीटिंग होगी उहदे विच जिहड़ा वादा कीता मैडम कमिश्नर ने साडे नाल, वह वादा जिहड़ा पूरा होगा, सानूं उम्मीद है इस गल दी, नहीं तां संघर्ष साडा चल ही रहा जी। अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।